इन ए ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया 3y - 5x = 30, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो हमारे पास देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू में x डिग्री, एंगल बी इक्वल टू में 3x डिग्री, एंगल सी इक्वल टू में y डिग्री, और ये भी दिया हुआ है कि 3y - 5x = 30 है। तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का 5x प्लस का 3y = 30, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ लिख सकते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसका x प्लस का 3x प्लस का y इक्वल टू में 180, यानी कि हो जाएगा यहाँ 4x प्लस का y इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम लोग काम करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ 3 से और इसमें 1 से। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा जी, माइनस का 5x प्लस का 3y = 30, और यहाँ है आपका 4 × 3 = 12x प्लस का 3y = 540 डिग्री। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, माइनस 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 यहाँ से कट जाएगा, माइनस का 17x = यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 510, माइनस माइनस कट जाएगा डिवाइड में यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा। अब पुट कर देते हैं एक्स का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन किस में कर दे जी, फर्स्ट कर दें, चलिए ये सेकेंड ही ले देते हैं सेकेंड में, तो 4x प्लस का y इक्वल टू में 180 डिग्री, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे, 313 रख देंगे प्लस y इक्वल टू में 180, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 और प्लस में y इक्वल टू में 180, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 60 आ गया, है ना जी। अब देखिए, अब हम लोग तीनों एंगल को पहले देख लेते हैं, एंगल ए था आपका x डिग्री यानी कि 30 डिग्री, एंगल बी है आपका 3x डिग्री यानी हो जाएगा 3 × 30 डिग्री यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री, और एंगल सी आपका y था यानी ये 60 डिग्री। तो जब एक एंगल 90 आ गया, देयरफॉर हम लोग नहीं कह सकते हैं, देयरफॉर कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में ही तक, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और इनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कॉमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।